हुई कहानी खून से लिखी हुई है। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से तू नहीं मांगेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। 50 से भी कम दिन बचे हैं फिल्म के आने में, लेकिन फिर भी सलार के मेकर्स ने अभी तक दो में से एक भी टीजर शेयर नहीं किया है और कहा जा रहा है कि प्रभास इस वक्त किसी काम या शूट के सिलसिले में यूरोप गए हुए हैं और उनके आने के बाद कुछ रीशूट्स होंगे और फिर टीजर रिलीज किया जाएगा। लेकिन टीजर ना आने की वजह से फैंस काफ़ी नाराज़ हैं। वैसे ही फिल्म पोस्टपोन होती आई है, अब टीजर भी पोस्टपोन हो रहा है। तो दोस्तों, जब तक सलार का टीजर नहीं आ जाता, फैंस प्रभास की दूसरी अपकमिंग फिल्म कल्कि 2898 AD का ही टीजर देख रहे हैं और सिर्फ देख ही नहीं रहे, इन दोनों को कंपेयर भी कर रहे हैं। और तो चलिए दोस्तों, हम भी कर लेते हैं। तो अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो कल्कि का ग्लिम्स वीडियो सलार के टीजर से अच्छा है। सबसे पहले तो कल्कि फिल्म जिस थीम पर बेस्ड है वो नई है, यानी रीबिल्डिंग द वर्ल्ड। हमारी इंडियन सिनेमा में कुछ नया हो तो दोस्तों वही सलार की डार्क थीम KGF से मिलती जुलती है। और हालांकि एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं, पर दोस्तों है तो ये एक मास एक्शनर फिल्म की तरह ही। उसके बाद दूसरी वजह है विजुअल। जहां कल्कि के विजुअल्स हमें हॉलीवुड वाली फीलिंग इंडियन इमोशंस के साथ देते हैं, तो वहीं सलार के विजुअल्स में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया और वंस अगेन विजुअल्स भी KGF जैसे ही लगे हैं। उसके बाद सलार के टीजर में सलार ही नहीं थे, मीन सलार के बारे में वीडियो था, प्रभास के सीन्स नहीं थे और टीजर में बोले गए डायलॉग को हम थोड़े क्रिंज भी कह सकते हैं। तो वहीं कल्कि के वीडियो में प्रभास के सीन्स हैं और हम उन्हें एक नए अवतार में देख पा रहे हैं, जिससे एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती है। तो वहीं सलार के टीजर में बाकी के कास्ट मेंबर्स भी नहीं दिखे, सिर्फ पृथ्वीराज की एक झलक दिखी है। और कल्कि में हमें प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की भी ग्लिम्स मिली है और विलेन कैसा होगा और कैसा दिखेगा ये भी पता चला है। और हमारा लास्ट पॉइंट है, कल्कि ने अपनी थीम को अच्छे से ऑडियंस के सामने रिवील किया है कि ये फिल्म फ्यूचर बेस्ड होगी और इसमें हमारे पुरानों में कई बातों को दिखाया जाएगा। तो वहीं सलार का टीजर सिर्फ अपना हीरो का इंट्रोडक्शन बनके रह गया है। इस पर से हम ये कह सकते हैं कि सलार के टीजर से फिल्म मेकर्स ने फैंस के बीच मार्वल फिल्म जैसी एक्साइटमेंट जनरेट करने की कोशिश करी, पर उनकी स्टाइल ने उन्हें धोखा दे दिया और कल्कि की ग्लिम्स हमारे लिए सरप्राइज एलिमेंट का काम कर गई। और यही वजह है कि जिनकी वजह से कल्कि के आते ही सलार का पूरा डोमिनेंस खत्म हो गया है और कुछ लोग तो भूल ही गए हैं कि सलार भी आने वाली है। और शायद इसी वजह से अब ये फैसला लिया गया है कि सलार के रिलीज तक कल्कि का कुछ नया रिलीज नहीं किया जाएगा, ताकि सलार के लिए फिर से एक्साइटमेंट बिल्ड की जा सके। और हमें उम्मीद है कि सलार के लिए आने वाले वक्त में जो पोस्टर्स या ट्रेलर रिलीज होंगे वो टीजर से बेहतर होंगे। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।